जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर क्रिएटर सपोर्ट के बारे में। जी हाँ, फेसबुक पर नया अपडेट आया है जिसके अंदर आपको अब क्रिएटर सपोर्ट का ऑप्शन देखने मिलता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है फेसबुक एप्लीकेशन में, जी हाँ, यहाँ पर मोनेटाइजेशन लेकर या आपको कोई भी पक्ष की या आपके यहाँ पर नेम चेंज करने पर कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है आपको अगर फेसबुक पर, तो आप क्रिएटर का सपोर्ट ले सकते हैं। बट अगर ये ऑप्शन आपके यहाँ पर फेसबुक में ऐप में नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको बताऊँगा कैसे आप इसको वापस ला सकते हैं अपने फ़ोन्स के अंदर। तो वीडियो में फ्रेंड्स बने रहिएगा। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बात कर रहा था फेसबुक क्रिएटर सपोर्ट की। जी, अगर बात करते हैं इसको फेसबुक क्रिएटर सपोर्ट की, तो क्लिक करते हैं अपने यहाँ पर और उसके बाद स्विच करते हैं अपने अकाउंट को। और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप अपने प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं और नीचे तरफ आते हैं फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने मिल जाता है क्रिएटर सपोर्ट का। और ये ऑप्शन अगर आपको फ्रेंड्स नहीं मिला है, तो आपको क्या करना होगा, तो करना यहाँ पर यह है फ्रेंड्स, यहाँ पर तीन स्टेप आपको अपनाने हैं। पहला स्टेप यह है कि सबसे पहले आपको अपना फेसबुक जो है अपडेट कर लेना है। और आपने अगर अपडेट कर लिया अपने फेसबुक और आपको तब भी ये ऑप्शन देखने को नहीं मिला है, तो यहाँ क्या करना, सेटिंग में जाना है फ्रेंड्स। सेटिंग में जैसे जाते हैं, नीचे तरफ फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है और सॉरी यहाँ पर बैक आते हैं, तो यहाँ पर नीचे तरफ आइए, देखिए हेल्पलाइन सपोर्ट पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्रिएटर सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हेल्प के सेंटर के नीचे क्रिएटर सपोर्ट का ऑप्शन देखने मिल रहा है। अगर आपने अपडेट कर दिया तो यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए। उसके अंदर जब आप क्लिक करते हैं, तो इसके अंदर यहाँ पर देखिए फाइंड माई इशू का ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें यहाँ पर पांच आपको अलग अलग इशूज जो होते हैं इनके एप्लीकेशन के अंदर, अकाउंट मैनेजर से लेकर कंटेंट्स लेकर सेफ यहाँ पर स्टे सेफ के लेकर मोनेटाइजेशन और टेक्निकल इशू, सब कुछ यहाँ पर एक साथ आपको देखने मिल जाता है। मोनेटाइजेशन भी अगर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रोग्रामेबिलिटी सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाता है, क्या पॉलिसी है। तो यहाँ पर हम बात करें फ्रेंड्स, आपको अगर ऑप्शन देखने नहीं मिला, तो यहाँ पर इस तरह से आपको कर लेना है। पहला स्टेप यहाँ पर आपने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने अपने एप्लीकेशन को अपडेट किया। दूसरा स्टेप आपको यहाँ पर चेक करना है हेल्पलाइन सपोर्ट पे। और तीसरा ऑप्शन अगर आपको अभी भी नहीं मिला है, तो आपको क्या करना है, अपना अकाउंट प्रोफेशनल मोड में क्लिक करना है। जी हाँ, यहाँ पर फेसबुक जो है अपने अकाउंट को प्रोफेशनल मोड में करेंगे, तभी आपको ये ऑप्शन देखने मिलेगा, क्योंकि ये क्रिएटर सपोर्ट जो है ये ओनली क्रिएटर सपोर्ट के लिए ही आया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएटर है, तभी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा अकाउंट जो है वो यहाँ पर प्रोफेशनल मोड पे है, यहाँ पे क्लिक कर देखिए टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड, तो वहाँ पर उनके लिए ही ये एलिजिबल है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप करके अपना देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, 100% आपको ये प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।